नशे की जो अज सर्चिंग चल रही है ये बारे की कहना दिखावा वा अज तक पुलिस नहीं आई कभी भाई आंदी है एदा बंदा वाका वा एदा फड़या गया उन्हें फोन ए बंदे बंदा छड़ा देना फोन करके उन्हें इत्थे उठ के सारे मुलाजम चल जान वीर भरा चल जान तो उन्हें इत्थे बंबी जा वेख लिया एक दोपहर एक दो इहदा मेला लगा ना। सत श्री अकाल पंजाबी लोग चैनल देख रहे हो, मैं संसारदीप सिंह। पिछले काफ़ी समय तो पंजाब दे विच नशे की एक बड़ी वड्डी समस्या बनी हुई है। आए दिन आम लोगों के वलों सूबे दे विच नशा वधण दीआं शिकायतां कीतीआं जांदीआं ने ते इल्जाम पुलिस प्रशासन के उपर लगाए जांदे ने कि इन्ना ज़्यादा नशा वधण के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के वलों नशे के सौदागरां के खिलाफ कोई सख्त कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। पर अज तस्वीरां जो तुहानूं असीं दिखाउण लगे अमृतसर के गुरु अर्जन देव नगर तो सामने आईआं ने जिथे पुलिस दे वल्लों नशा सौदागरां दे खिलाफ वड्डी कार्रवाई करदे होए उस इलाके दे विच इक वड्डी रेड कीती गई। पुलिस दे वल्लों वहीकलां नूं रोक के उन्हां दी तलाशी लई गई ते नशे दे सौदागरां दे खिलाफ वड्डी पुलिस रेड जिहड़ी आ अज सवेर तों ही पुलिस दे वल्लों कीती जा रही है, क्योंकि इस इलाके दे विच पिछले लंबे समय तो नशा वधण दीआं खबरां लगातार सामने आ रही सी। आम लोगों के वलों लगातार नशे दे सौदागरां दे एक्टिव होण दीआं खबरां इस इलाके दे विच लगातार दसियां जा रही सी। आम लोग इस समस्या तो पिछले लंबे समय तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे सी ते पुलिस दे वलों हुण वड्डी कार्रवाई गुरु अर्जन देव नगर अमृतसर शहर दे विच कीती जा रही है। पर पुलिस की इस कार्रवाई तो बाद भी आम लोग इस कार्रवाई तो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने वलों इस कार्रवाई में ड्रामा करार दिता जा रहा, उन्होंने वलों कहा जा रहा है कि जेकर पुलिस हुण इस जगह तो चली जाएगी तो हुण तो कुछ समा बाद नशा तस्कर जिहड़े ने वह वड्डी गिणती दे विच इस जगह पर फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो नशे का यह धंधा दोबारा फिर उस तरह चलेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने इलाके दे विच नशे का यह धंधा शरेआम चलता आ रहा है तो किसी वलों भी इस खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। इस रेड के बारे की कुछ कहिंदे ने उस इलाके के वासी, एक बारी उन्होंने जुबानी तुसीं भी सुन लो। की नाम तुहाडा? मेरा नाम सुमित कुमार जी। इत्थे रहिंदे हो? मैं गुरु अर्जन देव नगर गली नंबर 2 रहण वाला हां। ते नशे दी जो अज सर्चिंग चल रही है एदे बारे की कहिंदे? सारा दिखावा वा। मतलब सारा दिखावा, हुण इत्थे उठ के सारे मुलाजम चल जाण, वीर भरा चल जाण, तो उन्हें इत्थे बंबी जा वेख लिया एक दोपहर एक दो दा मेला लगा ना। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1000 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਕੂਲਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਨਗੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੀ? ਭਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? नशे की समस्या होने की गल कही जा रही है, पर पुलिस अधिकारियों के वालों इस एक वड्डी कार्रवाई के रूप दे विच दस्या जा रहा है। उन्होंने वालों कहा गया कि पुलिस के वालों की गई इस रेड के विच हाले तक 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हों के उपर नशा तस्करी के इल्जाम लगाए गए हैं। पुलिस के वलों दसिया कि पहला तो गिरफ्तार नशा तस्कर के घरों वड्डी गिणती दे विच मोबाइल फोन भी पुलिस के वलों पुलिस के कोल बरामद किए जा चुके हैं अते इस रेड के विच होर भी वड्डियां कामयाबियां मिलण की उम्मीद पुलिस अधिकारियों के वलों लगाई जा रही है। की कुछ कहिंदे ने इस रेड के बारे, इस कार्रवाई के बारे पुलिस के उच्च अधिकारी, एक बारी उन्हां दी जुबानी तुसीं भी सुण लो। अज एक्चुअली सवेरे साडा डेली का रूटीन ही है, असी सर्च ऑपरेशन वगैरह करते हैं, पर अज जो टी वी चैनल पर असी देखा सीगा भी एक लाइव चल रहा है, उस तो असी होर ज़्यादा फोर्स इकट्ठी करके इस एरिए दे विच पहुँचे सीगे। और इस एरिए दे विच पहला भी असी लास्ट ईयर 12 परचे सी, ऐतकी 24 परचे दर्ज किए हुए हैं, काफ़ी साढ़े ऑपरेशन चलते रहते हैं। और अज इस तो बाद दे विच भी असी 4 बंदे जिहड़े हिरासत लए ने, जिन्हां दे कोलों कुछ समान 100 ग्राम के करीब रिकवर होया। एक बंदा असी कुछ दिन पहला ही जिहड़ा इत्थे बंदा वेचदा सीगा उहनूं सुल्तानपुर थाने दे विच परचा दर्ज है, उहदे घरों सानूं काफ़ी मात्रा च फोन मिले ने, लोकी फोन जिहड़े इहनूं दे जांदे ने ते चिट्टे दा समान लै के जांदे ने, उह पहलां ही असी अरैसट कीता होया, उहते पहलां ही परचा दर्ज है। और अज भी असी जिहड़े बंदे फड़े आ, ईवन भी साडी अजे भी कुछ सर्च चल रही है, उहदे विच भी असी होर भी इहदे च अज कोशिश करांगे रिकवरी होवे। और अगर जे मैं रिक्वेस्ट करदा
टीवी चैनल वालों भी अगर कोई इस तरह का ऑपरेशन करना सानू प्लीज़ पहला दस दिया करो। जे पहला दस्या होता तो चार की जगह हो सकता असं ज़्यादा बंदे फड़ लेंगे तो ज़्यादा रिकवरी हो जाती। सो फिर भी मैं धन्यवाद करता मीडिया का जिन्होंने सानू इस बारे नॉलेज दी है और असं इस एरिए होर सख्ती बढ़ावे और ज़्यादा तो ज़्यादा रिकवरियां करांगे और सख्ती नाल इस एरिए। अज असीं चार बंदे फड़े ने इहदे विच 100 ग्राम के करीब असीं हिरन फड़ी है, 7-8 मोबाइल फड़े ने जिहड़े सानू उहनां दे घरों मिले ने, नशा वेचण वालियां दे घरों मिले ने। उह जे असीं सारा वेरीफाई कर रहे हां, बाद च केस रजिस्टर करांगे। जिहदे कोल जो जो रिकवर होया उस हिसाब नाल असीं जिहड़ा कारवाई करांगे। मोटरसाइकिल बारे हजे पूरी जानकारी नहीं, हजे साडियां टीमां आ रहियां ने, साडियां टीमां हजे उत्थे ही ने सर्च कर रहियां ने। जिहड़े इस टाइम साडे कोल मेरे कोल पहुँच गए ने इत्थे चौंकी दे विच, मैं उहदे बारे तुहानूं जानकारी देखो। साडा लास्ट ईयर नालों तकरीबन डबल रिकवरी है, डबल बंदे असीं अरैसट करके जेल च भेजे आ और इस तों भी ज़्यादा सख्ती जिहड़ी है उह कीती जाएगी। इहदे विच माणयोग CM साहब दियां, DGP साहब दियां, साडे कमिश्नर साहब नूं बहुत सख्त हदायतां ने और डेली दे तौर दे उपर इहनूं मोनीटर करदे ने और लोअर लैवल पुलिस तक जिहड़े सारी इस काम दे विच लगी है और साडी वध तों वध कोशिश होवेगी जनता दे सहयोग दे नाल इस नूं खत्म कीता जाए।